नमस्कार, ज़ेबू शेयर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी के बारे में। मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी 1 मई 2021 से एप्लीकेबल हो गई है। इसका मतलब ये है, अगर आपके मार्जिन शॉर्टफॉल है और अपने ऑब्लिगेशन का पूरा नहीं करते हो तो आपको आपका ब्रोकर ट्रेड नहीं करने देगा। इसका मतलब ये है, अगर आप अपने किसी भी शॉर्टफॉल को और किसी भी रिक्वायरमेंट को मार्जिन के अगर आप फुलफ़िल नहीं करते हो तो एक्सचेंज आपके ऊपर पेनल्टी अप्लाई करेगा और ये पेनल्टी ब्रोकर आपको पास ऑन करेगा, मतलब क्लाइंट को इस पेनल्टी को भरपूर करना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे कि आजकल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और सारे एक्सचेंजेस ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि आपको किसी भी ट्रेड करने से पहले आपके अपफ्रंट मार्जिन आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास अपफ्रंट मार्जिन नहीं है तो आप ट्रेड नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए, आपके पास इनफ अपफ्रंट मार्जिन है और आप ट्रेड एंटर कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड एंटर करने के बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो इस केस में आपका ब्रोकर आपको बोल सकता है कि आपको एडिशनल फंड्स आपको अपने अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन ये क्यों बढ़ जाता है एडिशनल मार्जिन, हम ये देखते हैं, अभी इस बारे में बात करते हैं। अगर अपने इस मार्जिन ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते हैं, फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर एक्सचेंज पेनल्टी अप्लाई करेगा और ये पेनल्टी को आपको भरना पड़ेगा। अब हम इन इंस्टेंसेस को देखते हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं जहां पे आपके ट्रेड पे एंटर करने के बाद मार्जिन ऑब्लिगेशन में बढ़ोतरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक हेज पोजीशन ओपन करी और एक हेज पोजीशन में आपने 1 लेग को क्लोज कर दिया, तो जो लेग ओपन है उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, उस केस में आपको एडिशनल मार्जिन भरना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है कि मार्जिन रेट तो सेम है लेकिन सिक्योरिटी का प्राइस, शेयर का प्राइस एकदम से शूट अप कर जाता है, तो उस केस में भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तीसरा ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है मार्केट में, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, इस कारण मार्जिन रेट में एक्सचेंज इंक्रीमेंट कर सकता है, उसके मार्जिन के रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकता है, उस केस में भी आपको मार्जिन ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। लेकिन ये मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी से आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप पे अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन या ट्रेडिंग ऐप पे आप फंड सेक्शन में जाके, अवेलेबल टू ट्रेड सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपके पास कितने फंड्स हैं, और अगर फंड्स में नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है तो फंड्स ऐड करके आप अपफ्रंट मार्जिन की पूर्ति कर सकते हैं। और आप कभी भी हमारे अकाउंट्स में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में NEFT RTGS के थ्रू अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इजीली अपफ्रंट मार्जिन की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमेशा अपफ्रंट मार्जिन अवेलेबल रखिए अपने अकाउंट में, और अपफ्रंट मार्जिन से अधिकतर अमाउंट आप रखेंगे तो आपकी ही सेफ्टी के लिए रहेगा, आपको एक्सचेंज पेनल्टी नहीं लगाएगा और आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे, आपको कोई हैसल नहीं आएगा। इसलिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी डे।